गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आई एम फ्रॉम होली पब्लिक जूनियर हाई स्कूल मैनपुरी। वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू इंग्लिश सब्जेक्ट क्लास फिफ्थ, चैप्टर फर्स्ट, बुक्स कंपोज्ड बाय एलिनोर पर्जिन। स्टूडेंट्स, बिफोर वी स्टार्ट द पोइम आई वॉन्ट टू टेल यू, वेन एवर यू सी द वीडियो यू पुट योर बुक विद यू। विद द हेल्प ऑफ बुक यू कैन रीड द पोइम वेरी वेल। नाउ लेट्स स्टार्ट अवर पोइम बुक्स। वॉट वर्ल्ड वंडर्स आर अवर बुक्स एज वन ओपन्स देम एंड लुक्स न्यू आइडियाज एंड पीपल राइज इन अवर फैंसीज एंड अवर आईज। इन लाइनों में पोइट ने बुक्स की इम्पोर्टेंस बताई है कि बुक्स क्यों इम्पोर्टेंट होती हैं। ओके, पोइट कह रहा है कि वॉट वर्ल्ड ऑफ वंडर्स आर अवर बुक्स की, मतलब जो बुक्स का संसार है, जो दुनिया है बुक्स की, वो बहुत ही वंडरस है, मतलब बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली है। एज वन ओपन्स देम एंड लुक, जब भी हम इसको खोलते हैं या देखते हैं, न्यू आइडियाज एंड पीपल राइज इन अवर फैंसीज एंड अवर आईज, कि जब भी हम अगर बुक को देखते हैं या खोलते हैं तो हमारे दिमाग में नए नए विचार उत्पन्न हो जाते हैं और हमारी जो आँखों के सामने काल्पनिक दुनिया सो होने लगती है। ओके, द रूम वी सिट इन मेल्ट्स अवे एंड वी फाइंड अवर सेल्फ एट प्ले विद समवन हु बिफोर द एंड मे बिकम अवर चूजन फ्रेंड। जब भी पोइट कह रहा है कि जब भी हम रूम में बैठे होते हैं और हमारे पास में बुक होती है, तो बुक को हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं, तो जो स्टोरी हमें अच्छी लगती है या उसका जो फ्रेंड हमें अच्छा लगता है, हम उसी को चूज कर लेते हैं एज अ फ्रेंड। जब हम एज अ फ्रेंड चूज़ कर लेते हैं उसको, तो फिर हम अपने आप को इमेजिन करने लगते हैं कि हम उसी स्थान पर हैं जहाँ पर वो मेरा फ्रेंड है। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेंजा, और वी सम द पेज टू सम अदर लैंड और एज। पोइट कह रहा है कि जब हम बुक पढ़ते हैं तो वो अपनी एक अलग ही दुनिया में हमें ले जाता है। हियर इज़ अवर बॉडी इन द चेयर वट अवर माइंड इन ओवर देयर। हमारी बॉडी तो चेयर पर होती है, मतलब फिजिकली तो हम चेयर पर बैठे होते हैं, बट मेंटली हम कहीं और होते हैं। ईच बुक इज़ अ मैजिक बॉक्स विच विद अ टच अ चाइल्ड अनलॉक्स इन बिटवीन देयर आउटसाइड कवर्स बुक्स होल्ड ऑल थिंग्स फॉर देयर लवर्स। पोइट कहता है कि जो प्रत्येक बुक होती है वो मैजिक बॉक्स होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब भी हम कोई बुक को टच करते हैं तो वो हमारे माइंड को अनलॉक कर देती है। इन बिटवीन देयर आउटसाइड कवर्स, इसके कवर से ही हमें पता चल जाता है कि इसमें क्या है। बुक्स होल्ड ऑल थिंग्स फॉर देयर लवर्स, जो बुक होती है उसमें सभी चीज़ें होती हैं उनके लवर्स के लिए। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज़ रीड दिस पोएम। ओके,